बेल आइकिन अच्छा जी कल के लेक्चर से क्वेश्चन बजटिंग पे हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी परपजेज ऑफ बजटिंग कुछ टर्म्स थी बजटिंग से रिलेटेड बजटिंग प्रोसेस फंक्शनल बजट एंड मास्टर बजट कोई सवाल कल के लेक्चर से कोई चीज पेंडिंग कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए ज बजटिंग हेल्थ इन कॉर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन कौन बताएगा बजटिंग से कॉर्डिनेशन कम्युनिकेशन में कैसे मदद मिलती है यह कैसे अचीव होता है ये ऑब्जेक्टिव कॉर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन कोई और स्टूडेंट प्लानिंग जब बजटिंग जब करते हैं तो इट प्रोवाइड्स यू अपॉर्चुनिटी टू एंश्योर कॉर्डिनेशन अमंगस्ट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द एंटिटी जैसे हम कल एग्जाम्पल ले रहे थे सेल्स और प्रोडक्शन की कोऑर्डिनेशन ना हो तो टारगेट्स अचीव नहीं हो सकते प्रोडक्शन कम्युनिकेशन प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट की कोऑर्डिनेशन ना हो प्रोडक्शन और एचआर की कोऑर्डिनेशन ना हो प्रोडक्शन और प्लांट मेंटेनेंस की कोऑर्डिनेशन ना हो तो प्रोडक्शन के टारगेट्स भी अचीव नहीं हो सकते सो प्लानिंग बजट जो है इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड हों एक सिक्रोनाइज uh, वे में प्रोसेस चले बजट फैक्टर क्या होता है जी प्रिंसिपल बजट फैक्टर सॉरी वट इज प्रिंसिपल बजट फैक्टर कौन बताएगा प्रिंसिपल बजट फैक्टर हाँ जी प्रिंसिपल बजट फैक्टर आप बताना चाहते हैं जी बताइए बेटा बिल्कुल ठीक है इट इज वेरिएबल इट इज वट वी कॉल इट इज अ वेरिएबल ओ विच लिमिट्स ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल एक्टिविटी लेवल नॉर्मली इट इज सेल्स नॉर्मली प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज सेल्स प्रिंसिपल जो सेल्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि इदारा किस लेवल पे ऑपरेट करेगा कितने यूनिट्स बनाएगा कितनी प्रोक्योरमेंट करेगा कितने बंदे हायर करेगा नॉर्मली सेल्स पे ये सब डिपेंडेंट होता है बट इन सम सिचुएशन वेर वी हैव लिमिटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल प्लांट कैपेसिटी हमारी लिमिटेड है हमारी डिमांड के मुकाबले में कम है हमारा हमारी लेबर जो हमारे पास अवेलेबल है वो जितनी प्रोडक्शन डिमांड हमारी है उसके मुकाबले में कम है तो उस केस में हमारा रिसोर्स जो है वो भी प्रिंसिपल बजट फैक्टर हो सकता है फंक्शनल बजट हमने फिर बजटिंग का प्रोसेस डिस्कस किया था उसमें हमने बात की थी कि पहले डिपार्टमेंटल बजट जिनको हम फंक्शनल बजट कहते हैं वो बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर फंक्शनल बजट्स को समराइज किया जाता है मास्टर बजट की डॉक्यूमेंट में मास्टर बजट में तीन डॉक्यूमेंट्स आते हैं एक इनकम स्टेटमेंट एक पीएनएल एक पीएनएल कैश बैलेंस शीट एंड कैश बजट ये तीन पीएनएल बैलेंस शीट एंड कैश ये तीन आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो मास्टर बजट में आती हैं कल हमने एक एक्टिविटी फाइव फंक्शनल बजट की देखी थी जिसमें हमने सेल्स बजट बनाया था प्रोडक्शन बजट बनाया था और परचेज बजट बनाया था रॉ मटेरियल का अब हम एक कम्प्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें हमें फंक्शनल बजट भी बनाने हैं और फिर एंड में मास्टर बजट भी बनाना है इलस्ट्रेशन सिक्स है जी हमारे पास मैसी वर्कस की इलस्ट्रेशन है इसकी रिक्वायरमेंट पार पेपर पेज टू वन फाइव पे आ रही है सेल्स बजट प्रोडक्शन बजट प्लांट यूटिलाइजेशन बजट डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट डायरेक्ट लेबर बजट डक्शन ओवरहेड बजट कंपटेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट डायरेक्ट मटीरियल परचेस बजट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बजट एंड मास्टर बजट मास्टर बजट का मतलब तीनों डॉक्यूमेंट पी एन एल बैलेंस शीट एंड कैश बजट सो पढ़िए द डाटा गो थ्रू कर लीजिए एक दफा सारे डाटा से ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या क्या आपके पास अवेलेबल है डिफरेंट हेडिंग्स के साथ उसने हमें कुछ डेटा दिया है जस्ट रीड थ्रू द डाटा ताकि आपको सिर्फ़ आइडिया थोड़ा हो जाए बाकी हम जैसे जैसे हर बजट बनाएंगे हम दोबारा रेलिवेंट डाटा को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें सेल्स बजट बनाना है सेल्स बजट से मुराद हमारी अगले साल हम कितना रेवेन्यू अर्न करने का टारगेट कर रहे हैं हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं दोनों की जो एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड डिमांड अगले साल क्या होगी उनकी सेल प्राइस क्या ये अवेलेबल है तो हमारा जो फॉर्मेट सेल्स बजट का बनेगा वी स्टार्ट विद पार्ट ए सेल्स बजट बजटेड रेवेन्यू प्राइस यूनिट्स एंड प्रोडक्ट्स आपकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं कितने यूनिट्स आपने बेचने हैं प्राइस क्या है और बजटेड सेल्स ये जी आपका सेल्स बजट का फॉर्मेट है फॉर्मेट के बारे में हम फ्लेक्सिबल होते हैं हम रो में या कॉलम में जैसे मर्जी प्रोडक्ट्स को प्लेस कर दें इट डज नॉट मैटर पर नज़र आना चाहिए कि सेल्स टीम को जो हमने टारगेट्स देने हैं वो कम्युनिकेट होने चाहिए तो यहाँ पे सेल्स बजट हमारे टारगेट्स टू सेल्स टीम हैं और हमारी दो प्रोडक्ट्स एक हमटी एक डमटी टारगेट्स के हम दे रहे हैं जी हमटी के फोर्टी यूनिट्स बेचने हैं हम टी के फोर थाउजेंड यूनिट्स बेचने हैं प्राइस टारगेट्स हम दे रहे हैं हम टी शुड बी सोल्ड एट रुपीज थर्टी टू एंड फोर्टी फोर एंड द रेवन्यू शुड बी वन डबल फोर ट्रिपल जीरो वन सेवेंटी सिक्स थाउजेंड एंड द टोटल इज थ्री ट्वेंटी थाउजेंड दिस इज योर सेल्स बजट फंक्शनल बजट में सेल्स डिपार्टमेंट का बजट जो सेल्स टीम को कम्युनिकेट किया जाएगा सेल्स बजट सेल्स टीम का टारगेट है तो so इसमें सेल्स टीम को जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए प्रोडक्ट्स कौन कौन सी सेल्स टीम ने बेचनी है कितने कितने यूनिट्स बेचने हैं उन्होंने किस प्राइस पे बेचने हैं और अल्टीमेटली क्या रेवेन्यू उनको अचीव करना है बजट्स आर टारगेट्स टू द रेलिवेंट टीम सेल्स बजट इज टारगेट टू द सेल्स टीम सो इट शुड कंटेन इट शुड रिफ्लेक्ट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो कि सेल्स टीम को चाहिए होगी इफ़ दे वॉन्ट टू अचीव देअ टारगेट्स उनको प्रोडक्ट्स भी पता होने चाहिए हर प्रोडक्ट के यूनिट्स भी पता होने चाहिए और हर प्रोडक्ट की प्राइस भी पता होने चाहिए तभी वो टारगेट सेल्स अचीव कर पाएंगे सो सेल्स बजट हमारा पार्ट ए पार्ट बी प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटीज कल भी हमने सेल्स और प्रोडक्शन बजट बनाया था जैसे फाइव हम कर रहे थे सेल्स से प्रोडक्शन बजाने की क्या इक्वेशन है जी सेल्स क्वांटिटी टू बी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये आपकी जी से प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट की इक्वेशन है और यही आपका प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट बन जाएगा आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं जी हम टी एंड डम टी एच एंड डी आप बजटेड सेल्स लाएंगे यहाँ पे इसमें आप ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक बजटेड ये भी बजटेड है टारगेट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करेंगे आप इसमें से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये शायद एक्चुअल हैं जटेड प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन का टारगेट आप प्रोडक्शन टीम को देते हैं ताकि अगर हमने सेल्स को अचीव करनी है इन्वेंट्री टारगेट जो मेनटेन करने, करने है उनको कैरी करने हैं सो प्रोडक्शन टीम शुड नो कि उनको कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे सो बजटेड सेल्स हमारे पास है जी एम टी की फोर्टी फाइव हंड्रेड फोर थाउजेंड क्लोजिंग स्टॉक की रिक्वायरमेंट ये जी अवेलेबल है आपको नोट नंबर थ्री में बी थ्री बी फिनिश गुड्स की डिटेल है उसके थ्री में आइए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू जीरो एक्स सिक्स जब साल ख़त्म होगा तब चार सौ यूनिट्स चाहिए यहाँ पे और बारह सौ यूनिट्स चाहिए हम ठीक है एंड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एज एट फर्स्ट अप्रैल एक्स फाइव अभी ओपनिंग इन्वेंट्री है जी 900 सौ यूनिट्स यहाँ पे और 200 सौ इधर दिस गिव्स यू प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 4000 एंड 5000 ये जी हमारी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आएगी दिस इज प्रोडक्शन बजट जो प्रोडक्शन की टीम के हवाले किया जाता है कि भाई आपको इतने यूनिट्स बनाने हैं अगले साल दोनों प्रोडक्ट्स के अगर ये यूनिट्स बनेंगे तो ही सेल्स टीम अपना टारगेट पूरा कर पाएगी अब हमें पूरा कोऑर्डिनेटेड बजट बना रहे हैं फंक्शनल बजट जो कि अल्टीमेटली मास्टर बजट में रिफ्लेक्ट होगा फंक्शनल बजट कैसे कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन इंश्योर करता है ये टारगेट्स कम्युनिकेट भी कर रहा है हर टीम को और ये टारगेट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन भी इंश्योर कर रहा है कि एक बजट एक डिपार्टमेंट के टारगेट्स दूसरे डिपार्टमेंट के टारगेट्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन दिस इज व्हाट वी कॉल कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन जब ये डॉक्यूमेंट दी जाएगी हर डिपार्टमेंट को तो उनको डिपार्टमेंट्स को उनके टारगेट्स कम्युनिकेट हुए और कोऑर्डिनेशन जब ये डॉक्यूमेंट बनाई जा रही है तो इंश्योर किया जा रहा है कि हर डिपार्टमेंट का बजट दूसरे डिपार्टमेंट के बजट को कॉम्प्लीमेंट करे उसके साथ अलाइन हो दिस इज कॉर्डिनेशन जो बजट से हमें मिल रही है कॉर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन जी एनी क्वेश्चन कोई सवाल प्रोडक्शन का बजट थर्ड इज प्लांट यूटिलाइजेशन बजट हमारे पास कितने प्लांट्स हैं वी हैव टू प्लांट्स नोट नंबर बी सिक्स नोट नंबर बी सिक्स में हमें नजर आ रहा है We have two plants. एक असम्बलिंग है, है हम टी भी मशीनिंग में प्रोसेस होती है असम्बलिंग में भी प्रोसेस होती है डम टी भी मशीनिंग में भी प्रोसेस होती है असेंबलिंग में भी प्रोसेस होती है प्लांट यूटिलाइजेशन बजट से मराद इन दोनों प्लांट्स को अगले साल हम कितने आवर्स के लिए यूटिलाइज करना प्लान कर रहे हैं प्लांट यूटिलाइजेशन प्लांट कितनी देर चलेगा ये किस चीज पे डिपेंड करेगा प्रोडक्शन पे कि हमने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और हर यूनिट बनाने पे कितना टाइम लगता है दैट विल डिटरमिन कि कोई एक प्लांट कितना अरसा चलेगा इसके लिए हम फॉर्मेट जो बनाते हैं कुछ इस अंदाज में शायद बनेगा पार्ट सी हम दो कॉलम असम्बलिंग के लिए लेते हैं दो कॉलम मशीनिंग के लिए लेते हैं और वो कॉलम क्या है मशीनिंग के लिए असम्बलिंग के लिए मैं एब्रीवेट यह कर देता हूँ आपको एग्जाम में यह एब्रीवेशन अलाउड नहीं होती क्रोमेकल वर्किंग में मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस और एफिशिएंसी के लिए कर लेता हूँ तो इसको आपने प्रैक्टिस नहीं बनानी अच्छा जी हमारे जो वर्किंग बनती नजर आ रही है एक यहाँ पे आएंगी हमारी प्रोडक्ट्स जो हमें बनानी है ये फॉर्मेट थोड़ा सा आपको सोच के डेवलप करना पड़ेगा आदत आपको थोड़ी थोड़ी सोचने की डालेंगे तो ग्रेजुअली बिल्ड होगी अगर आपने सोचने की आदत ना डाली और आंसर से फॉर्मेट्स देख के कॉपी करते गए तो एग्जाम में फंस जाओगे एग्जाम में फॉर्मेट कैसे बनाना है उस पे स्टक हो जाओगे सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम नाउ कि कैसे डाटा को प्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए आ, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनके यूनिट्स कितने बनाने हैं और यहां पे हम लिखते हैं टाइम मिनट्स गिवन है तो मिनट्स लेते हैं हम मिनट्स पर यूनिट कितने लगेंगे और यहां पे हम टोटल आवर्स ले आते हैं यहां पे हम मिनट्स पर यूनिट कितने लगेंगे और यहां पे हम टोटल आवर्स ले आते हैं एंड दिस विल गिव आस प्लांट यूटिलाइजेशन बजट के टोटल मशीनिंग डिपार्ट कितने प्लांट कितना यूज होगा असेंबलिंग प्लांट कितना यूज होगा लेट स्टार्ट विद हम टी फर्स्ट हम टी के हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं जी प्रोडक्शन फोर थाउजेंड हम टी में मशीनिंग डिपार्टमेंट पे कितना टाइम लगता है पंद्रह मिनट और हम टी पे असम्बली डिपार्टमेंट में कितना टाइम लगता है बारह मिनट ठीक है जी अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम टी को बनाने में प्रोडक्शन में मशीनिंग डिपार्टमेंट पे टोटल कितने आवर्स लगेंगे फिफ्टीन इंटू फोर थाउजेंड डिवाइड बाई सिक्सटीन वन थाउजेंड आवर्स और हम टी को असम्बली में कितना टाइम लगने वाला है फोर थाउजेंड इन टू ट्वेल्व डिवाइड विद एट हंड्रेड प्लांट यूटिलाइजेशन बजट हमारे पास दो प्लांट्स हैं मशीनिंग एंड असेंबली हम यहां पे मैयर कर रहे हैं इन प्लांट्स को अगले साल हम कितने आवर्स यूज करेंगे हमने यहाँ पे हिसाब लगाया कि अगर हम टी के चार हजार यूनिट बनाने हैं तो उनको बनाने के लिए मशीनिंग प्लांट एक हजार आवर्स यूज होगा और असम्बली प्लांट आठ सौ घंटे यूज होने जा रहा है सिमिलरली डमटी की वर्किंग करें इसकी प्रोडक्शन हमने करनी है फाइव थाउजेंड और डमटी पर टाइम लगता है ट्वेंटी फोर मिनट्स एंड एटी मिनट्स तो आवर्स बनाइए ट्वेंटी फोर इंटू फाइव थाउजेंड सिक्सटी 2018 थाउजेंड 1500 इंटू फिफ्टीन ये कैलकुलेशन करके देख लीजिए कोई चीज समझ ना आए पूछेगा टोटल प्लांट यूटिलाइजेशन हमारी बजटेड प्लांट यूटिलाइजेशन हमारी बजटेड प्लांट यूटिलाइजेशन ये प्लांट यूटिलाइजेशन बजट बनाना क्यों ज़रूरी है किस डिपार्टमेंट के लिए प्लांट यूटिलाइजेशन बजट बनाया जाता है किस डिपार्टमेंट के काम आएगा यह बजट जना कोई बताएगा कुछ सोच सकता है कि प्लांट यूटिलाइजेशन बजट क्यों बनाया जाता है किस डिपार्टमेंट ने इसको इस्तेमाल करना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये सबसे पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए हर प्लांट की हर मशीनरी की एक रिपेयर और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है जैसे इवन आप अपनी बाइक यूज़ करते हो मोस्ट ऑफ़ यू मस्ट बी यूजिंग बाइक उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि इतने अरसे बाद इतने घंटे के बाद इतने किलोमीटर बाद ऑयल चेंज होना है इतने किलोमीटर के बाद ट्यूनिंग होनी है इतने किलोमीटर के बाद एक्स पार्ट बदलना है वाई पार्ट बदलना है सो एवरी मशीन हैज समय सम मेंटेनेंस शेड्यूल सो प्लांट यूटिलाइजेशन हमें पता हो कि हमने कितने आवर्स प्लांट चलाना है उसके हिसाब से प्लांट की मेंटेनेंस का रिपेयर का शेड्यूल या कैलेंडर बनाया जाता है उसके हिसाब से प्लांट के स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल की इन्वेंट्री रखी जाती है ऐसा नहीं होता आपके पास तो है ना कि आपकी बाइक एक मूवेबल एसेट है आपको जब भी कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है आप वर्कशॉप पे ले जाते हो प्लांट कैन नॉट बी मूव्ड प्लांट के जो स्पेयर्स होते हैं जो कंज्यूमेबल होते हैं कोई ऑयल है लुब्रिकेंट्स हैं पार्ट्स हैं ऑल हैव टू बी देयर एट द प्लांट इन द स्टोर स्टोर में पड़े होते हैं तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास कैलेंडर आ जाए यूटिलाईजेशन आ, आ जाती है वो इस यूटिलाईजेशन के हिसाब से अपना कैलेंडर पे प्रिपेयर करते हैं maintenance का, अपनी कंज्यूमेबल की और पार्ट की रिक्वायरमेंट बनाते हैं कि कितने गियर्स कितनी बेल्ट कितना ऑयल कितनी ग्रीज हमें चाहिए होगी इस प्लांट को अगले साल ऑपरेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन वाले प्लांट चलाने पे तैयार हैं अगर मेंटेनेंस वाले उसकी मेंटेनेंस के लिए तैयार नहीं है तो प्रोडक्शन विल नॉट बी एबल टू अचीव टारगेट मेंटेनेंस वालों ने कैलेंडर बनाया हुआ है लेकिन स्टोर्स वालों ने स्टोर खरीद के नहीं रखे हुए पार्ट्स जो चेंज होने वो नहीं खरीदे हुए तो काम नहीं चलेगा सो so, बजट बनाया जाता है कम्युनिकेशन के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए हर डिपार्टमेंट के पास उसके टारगेट्स कम्युनिकेट हुए हों और वो टारगेट्स कोऑर्डिनेटेड हो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हों सो so, ये बजट जो है प्लांट यूटिलाइजेशन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट यूज़ करेगा और इसी से ही कंज्यूमेबल की रिक्वायरमेंट बना के वो रॉ मटेरियल के जो पोक्योर जो स्टोर एंड स्पेयर डिपार्टमेंट है हमारा जो प्लांट के स्टोर्स खरीदता है और मेंटेन करता है इन्वेंट्री में उनको यहाँ से रिक्वायरमेंट बना के देंगे कि हमें अगले साल के लिए इतने घंटे ये प्लांट चलाना है इतना घंटे ये प्लांट चलना है हमें इसके लिए क्या क्या पुर्जे चाहिए इसलिए क्या क्या पुर्जे चाहिए प्लांट यूटिलाइजेशन बजट नेक्स्ट बजट क्या है जी? डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट यूजेज बजट मतलब रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल होना है रॉ मटेरियल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है नोट नंबर सी में और वैसे नोट नंबर बी सेवन में भी है नोट नंबर बी सेवन में हमें एक फिनिश प्रोडक्ट में कितना रॉ मटेरियल जाता है ए का बी का वो बताया गया है बी सेवन में और सी में हमें रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री का बताया गया है क्लोजिंग इन्वेंट्री का यूज से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन तो बी सेवन के हम टी बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए डमटी के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए बट वी कैन सी हियर एवरी प्रोडक्ट रिक्वायर्स टू रॉ मटीरियल ए एंड बी हमें मैयर करना है कि हमें ए कितना यूज करना है अगले साल और बी कितना यूज करना है अगले साल इसका फॉर्मेट भी रॉ मटेरियल यूजेज का फॉर्मेट भी बिल्कुल इसी अंदाज में बनेगा जैसे हमने ऊपर बनाया दो आपके कॉलम रॉ मटेरियल के आ जाएंगे और फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ए एंड बी यहाँ पे केजी पर यूनिट और यहां पे टोटल यूजेज इन केजीज यहां पे केजी पर यूनिट और यहां पे टोटल यूजेज इन के और इसी तरह यहां पे आपकी प्रोडक्शन यहां पे आपके थे ये ये भी प्रोडक्शन यूनिट्स थे इधर भी आपकी प्रोडक्शन के यूनिट्स आ जाएंगे और ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं सेम वही फॉर्मेट जो हमने प्लांट यूटिलाइजेशन के लिए बनाया था वही फॉर्मेट मटीरियल यूज के लिए हम बना रहे हैं जिससे हमारे दो प्लांट्स थे दोनों प्लांट्स पे लहदा लहदा टाइम लग रहा था हर प्रोडक्ट का तो हमने उसको लहदा लहदा मैयर कर लिया सिमिलरली यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं टी में भी टी में भी तो अकॉर्डिंगली उन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए हमने लहदादा कॉलम बनाए अच्छा जी हमारे पास प्रोडक्ट्स वही दो एच डी शन रिक्वायरमेंट फोर थाउजेंड एंड फाइव थाउजेंड लेट स्टार्ट विद हमटी फर्स्ट हमटी में ए कितना लगता है जी पर यूनिट वन पॉइंट फाइव हमटी में बी कितना लगता है पर यूनिट टू पॉइंट हमटी में टू हमटी में बी लगता है टू ठीक है जी और डमटी में ए कितना लगता है जी पॉइंट फाइव और बी कितना लगता है फोर लीजिए जी यहाँ से क्वांटिटीज में ये कर सकते हैं सिक्स थाउजेंड एट थाउजेंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड लीजिए जी दिस गिव्स अस द यूज बजट ये हमारा यूजेज बजट आ गया एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट थाउजेंड रॉ मटीरियल यूजेज बजट हमारे पास दो रॉ मटेरियल हैं ए एंड बी अगले साल ये दोनों रॉ मटेरियल हम कितनी कितनी क्वांटिटी यूज करेंगे रॉ मटेरियल यूजेज बजट रॉ मटेरियल यूजेज बजट शायद प्रोडक्शन टीम के काम आने वाला है क्योंकि उनको पता हो उन्हें कितना रॉ मटेरियल प्रोसेस करना है उसके हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अपने कंज्यूमेबल्स की एच आर की रिक्वायरमेंट शायद असेस कर पाएँ यूजेज बजट के जी में चाहिए या वैल्यू में चाहिए बिल्कुल उसने बताया नहीं है हम आ, इसको अगर चाहें तो आगे वैल्यू में भी ले जा सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कॉस्ट क्या सेम है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वंट्री एज द बजटेड कॉस्ट फॉर द कमिंग ईयर तो सेम ही रहेगी कॉस्ट तो हम बिल्कुल उसको आगे ले जाना चाहें यूजेज को वैल्यू में भी ले जा सकते हैं नॉर्मली यूजेज की बात क्योंकि आगे अगर आप देखिए हमें प्रोक्योरमेंट बजट भी बना, बनाने को कहा गया है प्रोक्योरमेंट बजट कि हमने मटेरियल खरीदना कितने का है तो हमें पैसे के लिए कैश के लिए प्रोक्योरमेंट की वैल्यू में इंटरेस्ट है यूज में हमें सिर्फ क्वांटिटी ही हमारे लिए काफ़ी है क्योंकि यूजिज की कीमत नहीं आप पे करते कीमत आप परचेज़ की पे करते हो आपने अपनी यूटिलिटी देखनी है ना मेरे लिए क्या इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है मैंने जैसे कहा रॉ मटेरियल यूज कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा मैंने आपसे जो भी एग्जाम्पल दी है कौन इस्तेमाल करेगा इन्फॉमेशन शायद ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करनी है अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इससे कोई ताल्लुक नहीं है मटेरियल कितने का आया उसको तो पता सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे कितना मटेरियल कंज्यूम करना है उस कंज्यूम कंजम्पशन के हिसाब से अपनी टीम लेबर मशीनरी को रेडी करूँ ठीक है उसको वैल्यू से कोई गर्द नहीं है यहां पे एटलीस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज ओनली अकाउंटेबल फॉर द क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी आपको यूज करनी थी आपने उतनी की या उससे कम की या उससे ज्यादा की उसकी अकाउंटेबिलिटी उसका टारगेट क्वांटिटी पे है जब हम प्रोक्योरमेंट पे जाएंगे परचेज़ पे जाएंगे यस yes. वहां पे क्वांटिटी और प्राइस दोनों टारगेट्स दिए जाएंगे परचेज टीम को टारगेट सिर्फ क्वांटिटी का नहीं दिया जाएगा आपने कितनी क्वांटिटी बाय करनी है उनको परचेज प्राइस का भी टारगेट दिया जाता है कि आपको ये क्वांटिटी एक्स प्राइस पे बाई करके टोटल परचेज कॉस्ट हमारी बाई अमाउंट से एक नहीं करनी चाहिए तो यहाँ पे अगर हम अपरली मुझे लगता है यूज़ के हिसाब से शायद रुपीज़ की यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें जाने की क्योंकि हमने हमेशा इंफॉर्मेशन जब देख रहे हैं तो सोचने की आदत डाली है ये इन्फॉर्मेशन यूज कौन करेगा मैं कोशिश कर रहा हूं आपको साथ साथ बताता जाऊं कि यूजर कौन है इसका तो आप यूजर के एंगल से कहीं पे आपको कोई दिक्कत हो आप सोच सकते हैं कि यूजर को किस चीज की जरूरत है यूजर को अकाउंटेबिलिटी किस चीज पे होनी है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी कितने रुपये का मटीरियल आया ए इस पे नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खरीदने का जिम्मेदार नहीं है मेटीरियल आया कितने का यह जिम्मेदारी परचेज डिपार्टमेंट पे है तो परचेस डिपार्टमेंट के टारगेट्स में प्राइस जरूर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वैल्यू जरूर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए यहां पे अगर वैल्यू ना भी हम दें तो मुझे लगता है शायद हाँ बेहतर है बल्कि बेहतर है हमें एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत यहां पे शायद ना हो डायरेक्ट लेबर बजट डायरेक्ट लेबर बजट नोट नंबर बी एट डायरेक्ट लेबर बजट हमें पर यूनिट बताई गई है टी में कितनी लगनी है टी में कितनी लगनी है और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट नोट नंबर डी में बताई गई है डायरेक्ट लेबर बजट बनाया किसके लिए जाएगा हु विल बी द यूजर ऑफ डायरेक्ट लेबर बजट पहली बार डायरेक्ट लेबर बजट में आएगा क्या कि अगर हमने ये टारगेट्स हासिल करने हैं प्रोडक्शन के सेल्स के तो अगले साल हमारी लेबर के कितने आवर्स हमें चाहिए ये हमारा डायरेक्ट लेबर बजट है अब इस लेबर बजट का यूजर कौन है जी हु यूजर ऑफ डायरेक्ट लेबर बजट एच आर डिपार्टमेंट जिसको हम कहेंगे भाई हमें ये लेबर आवर्स हायर करके दें यह लेबर फोर्स हायर करके दें ताकि हम अपना काम करें अब हमने लेबर का बजट बनाना है इसका तरीका हमारे पास फॉर्मेट अगर हम बनाएं इसका भी दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन आवर्स पर यूनिट एंड टोटल टाइम यहां पे शायद प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन यूनिट्स में आवर्स पर यूनिट एंड टोटल आवर्स शायद प्रोडक्ट वाइज बनेंगे फिर सम बनेगा इधर शायद बजटेड लेबर आवर्स एंड देन लेबर रेट रुपीज पर आवर यहां पे शायद ये जरूरी है क्योंकि जब आप एचआर टीम को टारगेट दे रहे हैं तो उनको सिर्फ आवर्स का टारगेट नहीं देंगे उन्होंने आवर्स हायर करने हैं उनको रेट का टारगेट भी देंगे भाई इतने घंटे हायर करने हैं और इस रेट पर हायर करने हैं so we have two products h and &E. d production 4000 units and 5000 units hours per unit 6, six and nine. 9 total is 24000 45000 69000 and the rupees per hour 1.6 so budgeted labor cost budgeted labor cost डबल वन दिस इज द लेबर बजट लेबर बजट का यूजर है एचआर डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट को हमने टारगेट देना है सिर्फ आवर्स का नहीं उसको रेट का भी टारगेट देना है जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया पिछली डिस्कशन में कि जब हम प्रिक्योरमेंट बजट बनाएंगे तो प्रचेज डिपार्टमेंट को हम क्वांटिटी का टारगेट नहीं देंगे साथ रेट का भी टारगेट देंगे टोटल परचेज वैल्यू का टारगेट मिलेगा उनको सिमिलरली यहां पर एचआर डिपार्टमेंट के पास लेबर बजट ने जाना है कि उनको कितने लेबर आवर्स अगले साल हायर करने हैं उनको साथ रेट का टारगेट भी दिया जाएगा आपको किस रेट पे हायर करने हैं क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस एच डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कितना सक्सेसफुली वो रिक्वायर्ड टाइम हायर कर पाए कितना सक्सेसफुली वो टारगेट रेट्स को अचीव कर पाए यहां पे उनकी परफॉर्मेंस मैयर की जाएगी बजट्स आर आवर प्लान्स दीज आर आवर टारगेट्स जो कि हर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट किया जाते हैं एंड दे मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेटेड टारगेट्स होने चाहिए आप यहाँ पे पूरी सिंक्रोनाइजेशन देख सकते हैं कि हम जो फंक्शनल बजट बना रहे हैं ये सारे कोऑर्डिनेटेड हैं एक डिपार्टमेंट का बजट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ सिंक्रोनाइज है कोआर्डिनेटेड है बेटा एचआर डिपार्टमेंट वाले आ, रेट जब बजट बनता है ना फंक्शनल बजट बनता है फंक्शनल बजट आपको अगर आपको पता हो कल हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे फंक्शनल बजट का तो उसमें हमने बात क्या की थी कि हर टीम मेंबर का बजट बनाने में एक रोल होता है ठीक है बजट जब ये बन रहा है लेबर का तो डेफिनेटली एचआर डिपार्टमेंट की इनपुट ली जा रही है उनका एक रोल है जो कि इसमें परफॉर्म कर रहे हैं उनसे पूछा जाएगा कि आपने पिछले साल क्या सैलरी पे की वर्कर को और आपके ख्याल में अगले साल सैलरी क्या होगी उनसे और उसकी आपके ख्याल में बेसिस क्या है आपने पिछले साल अगर डेढ़ रुपया दी है तो अगले साल एक रुपया पैंसठ uh, पैसे क्यों आप प्रपोज कर रहे हैं हो सकता है आप लेबर से पूछें अगले साल क्या सैलरी दोगे वो कहेंगे ये एक रुपया पैंसठ पैसे उनसे पूछा जाएगा क्यों एक रुपया पैंसठ पैसे उसकी जस्टिफिकेशन देंगे कि जी हमारे ख्याल में इन्फ्लेशन इतनी होगी हमारे ख्याल में गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी हमारे ख्याल में ऐसा होगा वैसा होगा इनपुट वही देंगे लेकिन एक बजट कमेटी है जिन्होंने बैठना है डिस्कस करना है और फिर उन्हें फाइनल अप्रूव करना है जी हमारे हिसाब से आपका टारगेट एक रुपया पैंसठ नहीं है एक रुपये साठ पैसे है आपने एक साठ पैसे में लेबर हायर करनी है सो एचआर डिपार्टमेंट विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस लेकिन फाइनल जो वर्ड यहां पे हमने क्या पढ़ा था निगोसिएशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द बजट बाय द कमेटी बजट बन के आया नीचे से इंफॉर्मेशन नीचे से आई लेकिन बजट कमेटी ने बैठ के उसको डिस्कस करने हैं उसको निगोशिएट करना है और उसको फिर अप्रूव uh, करके फ्लोट करने हैं फॉर इंप्लीमेंटेशन जी कोई और सवाल आपको प्रोसेस को समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि बाज का क्या यकीनन हर दफ़ा एग्जामिनर जब क्वेश्चन देता है उस क्वेश्चन में एग्जामिनर किसी प्रोसेस के किसी स्टेप स्टेप की तरफ रेफरेंस कर सकता है कि इस प्रोसेस में इस स्टेप में ऐसे बात हुई वैसे बात हुई उसमें यह फैसला हुआ तो अगर आपको प्रोसेस पता होगा तो आपके लिए सिनेरियो को समझना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आपने प्रोसेस पढ़ा होगा चीजों को सुना हुआ होगा तो आप कहानी को समझ पाओगे और कहानी को समझोगे प्रॉब्लम को समझोगे तो उसका सोल्यूशन बड़ा अच्छा डिवाइस कर पाओगे रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको साथ साथ पढ़ते रहना है चीजों को सिर्फ कैलकुलेशन वोंट हेल्प यू अ लॉट रीडिंग प्लस कैलकुलेशन दिस इज अ वे हाउ यू प्रिपेयर सी एम ए जी कोई सवाल जी अच्छा जी नेक्स्ट है जी प्रोडक्शन ओवरहेड बजट प्रोडक्शन ओवर बजट मतलब प्रोडक्शन ओवर की मद में अगले साल हमारा क्या खर्चा होने वाला है और प्रोडक्शन ओवर की मद में आपको एक और काम भी करना है वो नोट नंबर ई है जरा नोट नंबर ई एक दफा फिर पढ़ लीजिए जरा प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में ही है क्योंकि हम प्रोडक्शन ओवरइट बजट बनाने जा रहे हैं रीड नोट नंबर ई अगेन हमें बजटेड ओवरहेड दोनों डिपार्टमेंट्स के गिवन है फिर इसके बाद उसने उसके नीचे डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दी है और उसमें डेप्रिसिएशन के दो टुकड़े हैं एक एग्जिस्टिंग मशीनरी है और एक न्यू मशीनरी है जब ये डेप्रीसिएशन इन ओवरहेड्स में ऐड करेंगे तो आपके टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे टोटल बजटेड ओवरहेड्स आ जाएंगे ठीक है जी हर डिपार्टमेंट में कितने आपके ओवरहेड्स इनकर होने वाले हैं लेकिन यहां पे बजटेड जब हम ओवरहेड का बजट बना रहे हैं प्रोडक्शन ओवरइट का बजट बना रहे हैं तो पहला जुमला जो इस नोट नंबर ई का है दैट इज इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन ओवर इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीनिंग आवर्स प्रोडक्शन ओवर एट ऑन द बेसिस ऑफ मशीनिंग आवर्स सो प्रोडक्शन बजट में वी हैव टू डिटर्मिन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और ओवरहेड एड रेट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए ओवरहेड हेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला इज बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद इस केस में बजटेड मशीन आवर्स यह है जी फार्मूला आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का पहला जुमला उसने यही बताया है कि कंपनी अपने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करती है मशीन आवर की बेसिस पे और हमारे पास दोनों डिपार्टमेंट्स के मशीन आवर नो पार्ट नंबर सी में हमने वर्कआउट किए हुए हैं तो so यहां पे हम लेके आएंगे बजटेड मशीन आवर्स पार्ट सी से और देन वी विल हैव रेट। तो so जब हम बजटेड प्रोडक्शन ओवर एड बजट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन ओवर एड बजट यहां पे आके ओवर एड एब्जॉर्प्शन रेट पे आके खत्म होता है प्रोडक्शन ओवर एड बजट में हमें ओवर हेड एब्जॉर्प्शन रेट भी निकालना होता है ये ओवर एड एब्जॉपन का जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ओ का जो चैप्टर आपने देखा हुआ है उसमें हमने ये चीज़ सीखी है कि जब ओवर ऐड बजट बनाया जाता है उसी स्टेज पर ओवर हेड एबजॉप्शन रेट भी डिटर्मिन कर लिया जाता है और वही ओवर हेड एब्जॉर्प्शन रेट है जो आगे हम ओवर एब्जॉर्ब करने में यूज़ कर रहे होते हैं वही ओवरहेड एबजॉर्प्शन रेट है जो आगे बजट में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऐस ओवर हेड कॉस्ट So, ये है हमारा फॉर्मेट प्रोडक्शन ओवर का पहले मशीनिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं जी मशीनिंग डिपार्टमेंट के ओवर कितने हैं बजटेड डेप्रीसी से पहले थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये जी डेप्रीसी से पहले इसके बजटेड ओवर हैं इसकी डेप्रीसी के बारे में वो कहता है डेप्रीसी सेकेंड पैरा यहां पे इस टेकन एट फाइव परसेंट स्ट्रेट लाइन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट अ मशीन कॉस्टिंग ट्वेंटी थाउजेंड इज ड्यू टू बी इंस्टॉल्ड ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू जीरो इन मशीनिंग डिपार्टमेंट मशीनिंग डिपार्टमेंट में एक नई मशीन आनी है बीस हजार की जो कि फर्स्ट अक्टूबर को इंस्टॉल होनी है हमारे पीरियड में जिस पीरियड का हम बजट कर रहे हैं उसमें कितने अर्सा चलेगी वो मशीन छः महीने हमारा फर्स्ट अक्टूबर से इकतीस मार्च सिक्स पे साल ख़त्म हो जाना है फर्स्ट अक्टूबर को मशीन खरीदेंगे छः महीने बाद साल खत्म होगा सो नई मशीन बीस हज़ार की ली जाएगी पाँच परसेंट डप्रिसिएशन छः बटा बारह और ये मशीनिंग डिपार्टमेंट में नई मशीन की डेप्रीसी आने वाली है कितनी है जी फाइव हंड्रेड नई मशीन असम्बली डिपार्टमेंट में नहीं जा रही सिर्फ मशीनिंग डिपार्टमेंट में आ रही है आगे चलते हैं वो कहता है जी मशीनिंग डिपार्टमेंट में विच ऑलरेडी हैज द मशीनरी इंस्टॉल्ड टू द वैल्यू ऑफ हंड्रेड थाउजेंड एट कॉस्ट इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन हंड्रेड थाउजेंड की लगी हुई है कि उसका मतलब मशीनिंग में हंड्रेड थाउजेंड पे पांच परसेंट डेफ्रीशन भी आनी है वो कितनी आती है जी फाइव थाउजेंड तो ये तो मशीनिंग डिपार्टमेंट की कहानी कंप्लीट हुई फोर्टी फोर्टी फाइव थाउजेंड 45000 मशीनिंग डिपार्टमेंट के बजटेड ओवरहेड्स आ गए मशीनिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कितने हैं एक से फिर पैरा पढ़ लीजिए कैलकुलेशन को फॉलो कर लीजिए कोई चीज समझ नहीं आती पूछिए मशीनिंग डिपार्टमेंट में उसने कहा पीरियड अगला साल शुरू होने के छह महीने बाद 1 अक्टूबर को हम नई मशीन लेंगे 20000 की और उस डिपार्टमेंट में 1 लाख की मशीन ऑलरेडी लगी हुई है तो जो एक लाख कॉस्ट पे लगी हुई है उसके ऊपर भी हमने डेप्रिसिएशन पांच परसेंट स्ट्रेट लाइन लगानी है और जो नई मशीन लेंगे उसके ऊपर भी पांच परसेंट डेप्रीसिएशन लगाएंगे बट फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स सो एग्जिस्टिंग मशीनरी एंड न्यू मशीनरी पे डेप्रिसिएशन मशीनिंग डिपार्टमेंट में हमने ले ली कोई सवाल कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो पूछिए फंक्शनल बजट हम बना रहे हैं सेल्स बजट प्रोडक्शन बजट प्लांट यूटिलाइजेशन बजट रॉ मटेरियल यूजेज बजट लेबर कॉस्ट बजट एंड नाउ प्रोडक्शन ओवरहेड बजट पे हम पहुँचे हैं असेंबली में बजटेड ओवर कितने हैं डेप्रिसिएशन के अलावा 18,650। असेंबली में नई मशीन तो नहीं आई लेकिन असेंबली में एक्जिस्टिंग मशीन तो है कितने की हैव टू लुक एट द बैलेंस शीट करंट बैलेंस शीट पे जाएंगे तो वहां पे प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट आ रही है टोटल प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट कितनी है 187,000. जिसमें से 100,000 की लगी हुई मशीनरी में मशीनिंग डिपार्टमेंट में तो असेंबली में कितने की है 87,000 की सो so, 87,000 का पांच परसेंट कितना जी सॉरी 4350 एंड द सम इज 23,000. जनाब एनी क्वेश्चन बजटेड ओवर हमारे पास डेप्रीसी की डिटेल लगा दी गई थी ओवरहेड्स हमें depreciation के अलावा बता दिए गए थे हमें जो ओवरहेड गिवन थे उसमें हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके ऐड की मैं जो आपको कल बात कही थी ना कि बजटिंग में जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको क्वेश्चन से ही एक्सट्रैक्ट करनी है कोई रूल नया आपने नहीं सीखना जो पुराने रूल सीखे हुए हैं वही सारे यहाँ पे लग रहे हैं जैसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आपको आती है वही यहाँ पे इस्तेमाल हुई आ, बाकी जरबे तकसीमें यूजेज की कंजम्पशन की आगे प्रक्योरमेंट देखेंगे लेबर कॉस्ट की देखेंगे एवरीथिंग इज सिंपल कोई चीज आपके लिए यहां पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है सोए एक आर्ट के और वो आर्ट है स्टेटमेंट्स को पढ़ना और रिक्वायर्ड वैल्यूज क्वेश्चन में से पिक करना कोई रूल आपको कोई प्रिंसिपल आपको पीछे से बुक से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेमोराइज या याद नहीं करना उसकी एप्लीकेशन नहीं सीखनी रूल्स सारे बेसिक्स हैं जो आपने पहले अपने पिछले प्राय स्टडीज में ही सीखे हुए हैं यहां पे कोई नया रूल आप नहीं सीख रहे और अगर कोई नई चीज आए तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं उस पर ज्यादा एम्फोसिस कर दूंगा मेरे ख्याल में हम यहां पर कोई नया असूल नहीं सीखेंगे वन बेटा वन जो साल गुजरा इकतीस डेट की बैलेंस शीट है फर्स्ट अप्रैल एक्स फाइव की और जो बीस हजार की मशीनरी है वो आपने फर्स्ट अक्टूबर में जाके खरीदनी है अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट फर्स्ट अप्रैल टू जीरो फर्स्ट अप्रैल एक्स फाइव इसके ऊपर क्या लिखा हुआ जी द बजट फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड इज टू बी प्रिपेयर्ड एक्सपेक्टेशन फॉर द फोर्थ कंपीरियड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन लेकिन वो शायद इसके नीचे है बैलेंस शीट के नीचे है क्योंकि बैलेंस शीट तो एज एट फर्स्ट अप्रैल आ गई ना ये तो एज एक्ट ऑन अ डेट है ना तो एक्सपेक्टेशन तो उसके बाद आप ये कह सकते हो इकतीस मार्च की बैलेंस शीट को उसने फर्स्ट अप्रैल डेट दे, दे दिया है बट है तो ये पास की एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन ना हम तो इकतीस मार्च अप टू इकतीस मार्च एक्स सिक्स की बैलेंस शीट का बजट बना रहे हैं तो ये साल का शीट है ओपनिंग बैलेंस एसेट नहीं आया हुआ ये as at first April X5 है हमने मशीनरी फर्स्ट अक्टूबर लेनी है तो वो यकीन मशीनरी इस बैलेंस शीट में शामिल नहीं है जी एनी अदर क्वेश्चन कोई और सवाल अच्छा जी आ, हम बजटेड ओवरहेड्स तक आए हैं हमें ओवरहेड एवलॉप्शन रेट तक जाना है तो मशीन आवर्स यहां से देखिए मशीनिंग के थ्री थाउजेंड है और असम्बली के ट्वेंटी थ्री हंड्रेड है और यहाँ से ओवर रेट रुपीज पर मशीन आवर फिफ्टीन एंड टेन ये है जी हमारा प्रोडक्शन ओवर बजट प्रोडक्शन ओवर बजट में हम एब्जॉर्प्शन रेट भी मैर करते हैं तो so, हमने बजटेड ओवर भी लेने हैं और बजटेड ओवर को डिवाइड करके बजटेड मशीन आवर से ओवरहेड हेड एब्जॉर्बशन रेट भी लेना है हमें यहाँ पे जी कोई सवाल यहाँ तक जी हम पार्ट एफ तक गए हैं और पार्ट जी की बारी है कोई सवाल पीछे जो हमने डिस्कशन की है इन वर्किंग्स में से पार्ट जी है कंपटीशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट मशीन आवर की बेसिस पे बेटा अगर सवाल हम दोबारा पढ़ लें यहाँ पे आ, लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ प्लांट कैपेसिटी मशीनिंग भी प्लांट है असम्बली भी प्लांट है ठीक है जी उसने कहा जी द अमाउंट ऑफ प्लांट कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एज अंडर मशीनिंग भी हमारा प्लांट है असम्बली भी हमारा प्लांट है हमारे दो प्लांट हैं दो प्लांट हैं और दोनों में प्लांट एट इक्विपमेंट बैलेंस शीट में भी देख लिया नोट में भी ये देख लिया लगा हुआ है हमारा ऐसे ही है ना तो असेंबली का मतलब यह नहीं है कि उसमें मशीनें नहीं चल रही असेंबली का मतलब वहां पे जो काम हो रहा है वो असेंबलिंग का हो रहा है का, का काम मशीन कर रही है शायद तो बेटा, असेंबलिंग में भी मशीन चल रही है वो प्लांट यूटिलाइजेशन बजट पार्ट सी नजर आ रहा है ना आपको उसमें क्या लिखा हुआ हमने कितने घंटे चलेगा असेंबलिंग का प्लांट तो असेंबलिंग का प्लांट तेईसो घंटे चलेगा प्लांट so क्या मशीनरी होती है या ह्यूमन होता है तो तेईस घंटे मशीन आवर हैं असम्बलिंग प्लांट के तीन हजार घंटे मशीन आवर हैं मशीनिंग प्लांट के मशीनिंग भी प्लांट है असम्बलिंग भी प्लांट है तीन हजार घंटे मशीनिंग प्लांट पे लगेंगे मशीन आवर्स के और असम्बलिंग प्लांट पे तेईस घंटे मशीन आवर्स के लगेंगे मशीनिंग मशीन प्लांट बट मशीनिंग से यह ना कंफ्यूज करें कि मशीन सिर्फ मशीनिंग डिपार्टमेंट में चल रही है मशीन आपकी फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी चलती है मशीन आपकी कटिंग में भी चलेगी मशीन आपकी असेंबली में भी चलेगी अनलेस क्वेश्चन स्टेट स्पेसिफिकली कि चलेगीफिकली डिपार्टमेंट लेबर ऑपरेटेड है अगर क्वेश्चन गए यहां पे तो क्लियरली उसने लिखा हुआ है कि दोनों में प्लांट चल रहा है बंदा नहीं चल रहा है या बंदा चल रहा है तो उसकी वो बात नहीं कर रहा जी जनाब एनी क्वेश्चन कोई सवाल और जी कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए अच्छा आपको एक आ, मैंने वैसे एक जनरल गाइडलाइन एडवाइस मजीद आपको दे दूँ अभी आपने अक्सर बच्चे ना कोई जब एक टॉपिक हम पढ़ते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये बजटिंग का टॉपिक पढ़े हैं बजटिंग का टॉपिक से हम चार पाँच सात आठ दस दिनों में ख़त्म करेंगे उसके बाद बच्चा आप लोग एक आंसिंग क्वेश्चन एक दो करने की कोशिश करते हैं एंड वो आपसे जब सक्सेसफुली नहीं होता तो यू इमीजिएटली गेट्स पैनिंग यार हमने तो लेक्चर भी सारे सुने थे हमने किताब भी पढ़ी थी हम सब सवाल कर रहे हैं हमसे हो नहीं रहा या हमारा तो स्कोर उसमें सिर्फ ट्वेंटी या थर्टी परसेंट आ रहा है होता है अक्सर बच्चों के साथ स्कोर लो होता है तो आपको जो चीज जहन में रखनी है कि भाई आप अभी लर्निंग के बाद अनसिन क्वेश्चन कर रहे हो जब आप एग्जाम में जाओगे तब तक जाते जाते लर्निंग के बाद आपकी तीन से चार रिवीजन आनी है सो विद एवरी रिवीजन यू विल इंप्रूव योर परफॉर्मेंस शायद आप लर्निंग के बाद सवाल कर रहे हो आपका स्कोर पच्चीस तीस फीसद है अगर आपकी इफेक्टिव रिवीजन नहीं हुई आप एक दफा रिवीजन के बाद आओगे सवाल करने आपकी परफॉर्मेंस 40 पैंतालीस ईस्वी पे चली जाएगी दूसरी रिवीजन के बाद सवाल करने आओगे अनसीन सवाल नए देखोगे नए अनसीन सवालों पर जाओ उन पर जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस हो सकता है साठ पैंसठ पर जानी शुरू हो जाए सो ये चीज एन में रखनी है कि यू विल इंप्रूव योर परफॉर्मेंस विद एवरी रिविजन आपको लर्निंग के बाद आपकी परफॉर्मेंस एकदम सत्तर अस्सी पे जाएगी ऐसा एक्सेप्शनल जो बच्चे होते हैं उनके साथ जरूर होता है लेकिन एक एवरेज बच्चे जो मेजोरिटी हम होते हैं हम ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं सो so, कभी भी अपनी लर्निंग के फ़ौर बाद परफॉर्मेंस पे पैनिक ना करो अपनी अल्टीमेट परफॉर्मेंस को गेज ना करो क्योंकि एग्जाम तक जाने में अभी कई महीने हैं और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सिलेबस इट रिक्वायर्स रिविजन्स जब तक आप तीन चार रिविजन्स प्लान नहीं करोगे ये सिलेबस आपकी ग्रिप में नहीं आएगा आप एग्जाम लेवल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते एक या दो दफा सिलेबस को पढ़ के आप एग्जाम परफॉर्मेंस यहां से नहीं ले सकते यू हैव टू प्लान रिपीटेड रिव्य जी जनाब कोई सवाल अच्छा जी जी पे आइए जरा कंप्यूटेशन ऑफ ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ईच प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उन दोनों प्रोडक्ट की फैक्ट्री कॉस्ट बनानी है कॉस्ट पर यूनिट मैयर करनी है बजटेड सारा डाटा हमें अवेलेबल है हमें यहां पे कहा जा रहा है कि अगले साल जो आप दो प्रोडक्ट्स बनाने जा रहे हैं इनकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी अच्छा अब यहां पे कॉस्ट पर यूनिट की जब हम बात करते हैं तो यू शुड रिकॉल के कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के तो दो तरीके होते हैं कौन कौन से मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन यहां पे कौन सा लगना है एब्जॉर्प्शन क्योंकि आपको बताया गया है नोट नंबर ई में कंपनी ओवरहेड एबजॉर्ब करती है यहां पे हमने एब्जॉर्शन के तहत ओवरहेड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है सो so, अगर आपका नॉलेज है आपको सोचने की आदत है तो आप ये चीजों के बारे में सोचते रहोगे और सही डिसीजन लेके सही वैल्यूज कैलकुलेट कर पाओगे अच्छा जी अब हमें जो डाटा चाहिए हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाने की बात करूं तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं हमारे पास रॉ मटेरियल है दो तरह का ए भी है बी भी है फिर हमारे पास लेबर है जो बनाने में इस्तेमाल होगी इसके बाद और क्या आइटम है जी ओवरहेड्स हैं और ओवर दो डिपार्टमेंट के एक मशीनिंग के असम्बली के यही है हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हम डी बनाए या एच बनाए हम टी बनाए याल ए बी लेबर ओवरहेड ये लगता है हमारा और अब हर मटेरियल की कॉस्ट है और उसकी क्वांटिटी है जो हर प्रोडक्ट में यूज हो रही है हर इनपुट की एक कॉस्ट है और हर इनपुट की एक क्वांटिटी है जो यूज हो रही है कॉस्ट इनटू क्वांटिटी करते हैं तो हमारे पास रेट इनटू क्वांटिटी करते हैं तो कॉस्ट हमारे पास आ रही है तो हमारा जो कॉलम शायद बनेंगे दो कॉलम हमें बनानेंगे बढ़ेंगे एक प्रोडक्ट के लिए दो कॉलम दूसरी प्रोडक्ट के लिए और यहाँ पे एक कॉमन चीज़ जो कि रेट पर यूनिट है इनपुट का रेट पर यूनिट कॉमन है इधर हम लाते हैं हम टी इधर हम लाते हैं टी यहाँ पे लाते हैं क्वांटिटी पर यूनिट और यहाँ पे लाते हैं कॉस्ट यहाँ पे लाते हैं क्वांटिटी पर यूनिट और इधर लाएंगे कॉस्ट ये जी हमारा है जिस पे हमें डाटा अरेंज करना है जैसे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है लाइक रॉ डील ए की कॉस्ट पर यूनिट क्या है रॉ डील ए की कॉस्ट पर यूनिट 1.5 पॉइंट रॉ मटीरियल ए टी में कितना इस्तेमाल होता है क्वांटिटी पर यूनिट क्वांटिटी पर यूनिट 1.5 तो ए की कॉस्ट 2. टू फाइव एच बनाने में ए की कॉस्ट कितनी होगी 1.5 पॉइंट के जी इस्तेमाल होने वन पॉइंट फाइव के हिसाब से टू पॉइंट टू फाइव रॉमटी लगेगा ए एच बनाने में हमटी बनाने में बी का रेट क्या है बी का रेट कॉस्ट पर के जी वन और बी हमटी बनाने में कितना के जी लगता है टू सो so, दो रुपए का बी लगेगा जी इसमें लेबर का रेट पर आवर क्या है 1.6 सिक्स बनाने में लेबर के कितने घंटे लगते हैं सिक्स सो वन पॉइंट सिक्स इंटू सिक्स लेबर कॉस्ट नाइन पॉइंट सिक्स ओवरहेड रेट मशीनिंग का पंद्रह रुपए पर आवर है और असेंबली का दस रुपए पर आवर है हमटी बनाने में मशीनिंग में कितना टाइम लगता है कितने घंटे लगते हैं हमटी बनाने में मशीनिंग में टाइम लगता है आपका पंद्रह मिनट हम टी बनाने में मशीनिंग में टाइम लगता है पंद्रह मिनट तो हम चूंकि आवर्स का रेट लिया हुआ है तो मैं इसको पंद्रह बटा साठ लिख देता हूं और हम टी बनाने में असम्बली में टाइम लगता है चौबीस मिनट तो मैं इसको यहां पे चौबीस बटा साठ लिख देता हूं तो अब बताइए फिफ्टीन इंटू पंद्रह बटा साठ हमटी असम्बल हम बिल्कुल जी माई मिस्टेक बारह बारह बटा साठ जी पंद्रह बटा साठ इंटू पंद्रह थ्री पॉइंट सेवन फाइव और बारह बटा साठ इंटू दस टू लीजिए जी ये है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट बजेटेड फैक्ट्री कॉस्ट जिसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं सम कीजिए हम ठीक नाइनटीन पॉइंट सिक्स जीरो जी बजेटेड फैक्ट्री कॉस्ट रेट का जो कॉलम है वो हमारा कॉमन है आगे हमने हर प्रोडक्ट में क्वांटिटी जो इस्तेमाल होनी है वो लेनी है और क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके हम कॉस्ट ले पा रहे हैं हम टी में ए लाग रहा है टू पॉइंट टू फाइव का बी लेबर ओवर हेड मशीनिंग के ओवर हेड के टोटल फैक्ट्री कॉस्ट नाइनटीन पॉइंट सिक्स इसी अंदाज में आप डी की पर यूनिट बना सकते हैं जैसे डी में ए कितना इस्तेमाल हुआ बी कितना इस्तेमाल हुआ फोर डी में लेबर कितनी लगी नाइन मशीनिंग में डी पे कितना टाइम लगा ट्वेंटी फोर बायसटी और असम्बली में एटीन बाई सिक्सटी लीजिए यही रेट्स हैं वन पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फाइव पॉइंट सेवन फाइव वन इंटू फोर फोर फोरटीन पॉइंट फोर फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी बाई एंड थ्री लीजिए जी टोटल ट्वेंटी कॉस्ट पर यूनिट ये हमारी बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट है अगले साल जो हमने प्रोडक्शन करनी है उसकी हमारी टारगेट कॉस्ट पर यूनिट क्या आने वाली है ये टारगेट कॉस्ट पर यूनिट हमारे हमारी मदद करेगी प्राइसिंग डिसीजन में कि अगर हमसे कोई कस्टमर प्राइस मांगता है तो हमें पता है अगले साल हमें हमटी की कॉस्ट पर यूनिट क्या आने वाली है डमटी की कॉस्ट पर यूनिट क्या आने वाली है हम कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके प्राइस दे सकते हैं बजट्स आर टारगेट्स ये टारगेट कॉस्ट हैं और ये हमें प्राइसिंग में या दूसरे डिसीजन लेने में हेल्प करेगी अच्छा जी नेक्स्ट है जी पार्ट एच डायरेक्ट मटीरियल परचेज बजट हमने पार्ट डी में डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल कह लीजिए यूजेज बजट बनाया था अब हमें इसका परचेज बजट बनाना है हमारे कितने रॉ मटेरियल हैं जी दो ए एंड बी और यूजेज से परचेज पे जाना व्हाट इज द इक्वेशन यूजेज से परचेज रिक्वायरमेंट निकालना कैसे निकलती है जी वन वॉलंटियर एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताया इक्वेशन क्या है जी यूज से परचेज पे जाना बेटा परचेज क्वांटिटी कहाँ से आएगी वो तो जानना चाह रहा हूँ यूज की क्वांटिटी तो हमारे पास है परचेज क्वांटिटी कहाँ से आएगी बिल्कुल ठीक है जी जिस तरह हमने सेल से प्रोडक्शन पे गए थे उसी तरह यूजिज से प्रोक्योरमेंट पे जाया जाता है आपकी रॉ मटेरियल यूजिज आपके पास है इसमें आप ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इसमें से लेस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो आपको रॉ मटेरियल परचेज रिक्वायरमेंट आ जाती है और यह रिक्वायरमेंट हमें दोनों रॉ मटेरियल ए और बी के लिए बनानी है रॉ मटीरियल यूजेज बजट आपके पास है जो कि हम पार्ट डी में बना चुके हैं इसमें ऐड करेंगे बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो हमें मिलेगा बजटेड रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल परचेज बजट हमारे पास आएगा लेकिन ये परचेज बजट आएगा पहले फेज में के में फिर इसको आपको मल्टीप्लाई करना है प्राइस पर के से जो कि रुपीज में होगी और जैसे हमने पहले डिस्कस कर बैठे हैं कि परचेज बजट हमें सिर्फ क्वांटिटी नहीं चाहिए रुपीज़ भी चाहिए होगा फिर हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज बजट रुपीज में आ जाएगा ये हमारे रॉ मटीरियल के बजट का फॉर्मेट है रॉ मटीरियल परचेज बजट का फॉर्मेट पहले हम क्वांटिटी डिटरमिन करेंगे और फिर क्वांटिटी को रेट या प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू पे भी आएंगे क्योंकि ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को ये बजट जाने वाला है उनको क्वान्टिटी भी बतानी है कितनी खरीदनी है रेट का टारगेट भी देना है ये दोनों उनके टारगेट्स हैं Usage, पहले हम एक के सिर्फ फोकस करें अगर यूजेज ए की यूजेज एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये डाटा केजीज में है बजटेड क्लोजिंग स्टॉक नोट नंबर सी क्लोजिंग इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च सिक्स हंड्रेड ए की सिक्स हंड्रेड है जी एड करना है ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग इन्वेंट्री एट फर्स्ट अप्रैल टू जीरो हंड्रेड माइनस कर देंगे यहां से तो ये आपका बन गया जी परचेज कितना जी सॉरी एट थाउजेंड केजीज ये आपकी परचेज रिक्वायरमेंट है और इसकी बजटेड प्राइस उसने हमें बताया पर के जो है वो वन पॉइंट फाइव है सो टोटल परचेजेस ट्वेल्व थाउजेंड सिमिलर वर्किंग हम बी के लिए भी कर सकते हैं कि बी में यूजेज है नोट नंबर डी से वर्किंग डी से ट्वेंटी एट थाउजेंड बी का क्लोजिंग स्टॉक है 1000 और इसका ओपनिंग स्टॉक 6000 तो इसकी परचेज रिक्वायरमेंट 23000 थ्री केजीज में है और इसका रेट 1 और इसकी प्राइस पर वैल्यू तेईस ये जी हमारा परचेज बजट भी रेडी हो गया रॉ मटेरियल परचेज बजट ये सारी इक्वेशंस रिलेशनशिप जो यूज हो रहे हैं आपने प्रायर स्टडीज़ में अपने सीखे हुए हैं कोई चीज़ जैसे मैंने पहले कहा आपको लगे कोई इक्वेशन जो आपको समझ नहीं आई आपने पहले नहीं सुनी हुई नहीं सीखी हुई काइंडली हाथ रेस करके उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन डिमांड कर लीजिएगा क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक इस चैप्टर में कोई नई टर्म शायद आपको यहाँ से ऑनवर्ड अब नज़र ना आए कोई नया प्रिंसिपल शायद आपके सामने ना आए बट स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी न्यू उसकी एक्सप्लेशन ज़रूर डिमांड कर लीजिएगा जी जनाब एनी क्वेश्चन कोई सवाल बेटा ओपनिंग स्टॉक तो देखें ये बजटेड नहीं होगा ये तो आपका पीरियड क्लोज हो रहा है ना जिस पीरियड पे आप खड़े हुए बजट बना रहे हैं मे बी आप 2020 का बजट बना रहे हो तो 2020 का बजट आप बना रहे हो हम रज्यूम करते हैं कि आप 2020 हजार फर्स्ट जनवरी से शुरू होने हैं तो मे बी आप 30 दिसंबर इकतीस दिसंबर का बना रहे हो तो जो तीस दिसंबर इकतीस दिसंबर का तो क्लोजिंग स्टॉक है वही आपका ओपनिंग स्टॉक बन है ना तो वो नॉर्मली एक्चुअल हो सकता है बट उसने अगर उसके उसका बजट का वर्ड लगा दिया है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक इस केस में एक्चुअली लिया जाता है क्योंकि आपको उसने फर्स्ट अप्रैल टू जीरो एक्स फाइव की बैलेंस शीट दी हुई है बैलेंस शीट दी हुई है तो बैलेंस शीट में स्टॉक्स एक्चुअल आ रहे होते हैं बाज का तो होता है बजट आप नवंबर में बना रहे हैं लेकिन किस पीरियड का बना रहे हैं जनवरी ऑनवर्ड तो उस केस में फिर आपको इकतीस दिसंबर की बैलेंस शीट भी एक्सपेक्टेड दी जाती है लेकिन आपके लिए वो एक्चुअली है आपने इसको एक्चुअली लेकर चलना होता है टर्म वो बेशक एक्सपेक्टेड यूज कर ले जैसे हम अगर आज बैठ के फर्स्ट जनवरी से इकतीस दिसंबर 2020 का बजट बना रहे हैं तो हमें इकतीस दिसंबर की बैलेंस शीट चाहिए तो वो अभी नहीं अवेलेबल तो वो बात का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बैलेंस शीट और इकतीस दिसंबर दे देता है हमें तो वो हमारे लिए एक्चुअली है हमारी ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं आता हम 2020 का जब बजट बनाएंगे तो जो एक्सपेक्टेड बैलेंस शीट दी जाए या एक्चुअल बैलेंस शीट दी जाए ट्वेंटी की हमारे लिए वो एक बराबर है जी एनी क्वेश्चन कोई सवाल अच्छा ये आपका एक टेस्ट हुआ था छुट्टियों से पहले रिजल्ट से पहले वो कुछ पेंडिंग है मुबर आप काइंडली आप ले आते हैं इस वीक हमारा टेस्ट प्लान नहीं है क्योंकि रिजल्ट के बाद अलग क्लासेस शुरू हुई कुछ लोगों ने नया ज्वाइन किया नेक्स्ट वीक से हमारा टेस्ट रेगुलरली शुरू होंगे और नेक्स्ट वीक जो हमारे टेस्ट का थर्सडे को टेस्ट होगा और वो टेस्ट का बेटा ये आप ले जाइए ये आप मुझे लिस्ट लिस्ट है आपके पास लिस्ट नहीं दी आपने अच्छा आइंदा जाना जब आप टेस्ट लेके आ करें साथ लिस्ट लेके आ करें बल्कि आप ऐसा करें फिर अभी भी टेस्ट भी ना दीजिए ठीक, ठीक है ये फिर कल ही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा आप लिस्ट मेरे साथ लेके आइएगा ताकि मैं लिस्ट भी डिस्कस कर लूँ और मुझे फिर सोल्यूशन वगैरह दे दीजिए कल हम इसका सोलूशन भी डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो नेक्स्ट वीक से हमारे टेस्ट रेगुलरली एवरी थर्सडे वी हैव अ टेस्ट डे और जो स्टूडेंट्स नए हैं दे शुड नो कि हमारे पास टाइम फ्लैक्सीबल होता है आप अपनी कन्वीनियंस से नाइन टू तो थ्री के दरमियान आप टी ए डिपार्टमेंट क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में रबता करके आप टेस्ट दे सकते हैं यू विल बी असाइंड अ टेस्ट रूम जहाँ पर आप टेस्ट देंगे सो नेक्स्ट थर्सडे ऑनवर्ड वी विल बी हैविंग टेस्ट एवरी हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट डे है सी एम ए का टेस्ट डे हमारा थर्सडे है और हमारा जो थर्सडे को टेस्ट आएगा पहला अब दैट शुड बी फ्रॉम प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग रिसेंटली हमारा एरिया कंप्लीट हुआ है जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है मैंने उनको भी यही एडवाइस किया है कि आप सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग से अपनी डिस्कशन स्टार्ट कीजिए अपनी लर्निंग स्टार्ट कीजिए पहला चैप्टर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का ही ऑनलाइन में अटेंड करना है बजटिंग के एंड पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन भी साथ कर रहे होंगे मतलब हमें भी हमारा शायद कल का जो दिन लगे मे बी परसों से हम परसों क्या देना है सैटरडे सैटरडे से हम बजटिंग के पास पेपर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे ठीक है जी सैटरडे से हम बजटिंग के पास पेपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे हो सकता है सैटरडे मंडे को हम बजटिंग कर लें क्योंकि थर्सडे को आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का टेस्ट आ रहा है तो हो सकता है मैं ट्यूसडे वेनेसडे आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल करा दूँ तो कोशिश कीजिए जो बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो प्रोसेस कॉस्टिंग को कवर करें ट्यूज़डे वेनेसडे तक प्रोसेस कॉस्टिंग आपका कम्प्लीट हो ताकि आप टेस्ट में एज अ रेगुलर स्टूडेंट अपेयर हों ठीक है जी थैंक यू अमेकुम